जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरह से आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पर राशन की पूरी किट्स प्रोवाइड करी जा रही है और ये जो प्रोवाइड करने का जो बेड़ा उठाया जा रहा है, आइए मैं बताता रहता हूँ आपको इस चीज़ का। जो बेड़ा उठाया जा रहा है, जो हाजतमंद है, नीडी पीपल्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो लोगों को राशन की किट प्रोवाइड करी जा रही है। और हर साल की तरह इस साल भी अल हसनैन एजुकेशन ट्रस्ट, जो हमेशा लोगों के हित में खड़ी रहती है और एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चलाती है, तालीम देती है और ज़रूरतमंदों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, उसी तरह से ये रमज़ान में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पूरी टीम यहाँ पर अल हसनैन एजुकेशन ट्रस्ट की मौजूद है। मेरे बैक साइड सैयद साहब बैठे हैं और माशाल्लाह ये सारी तमाम ज़रूरतमंदों को किट प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये सारा प्रोग्राम प्लॉट नंबर 7 अंजुमन के अंदर ये चीज़ रखी गई है। तो हम सैयद साहब से इस विषय पर बात करेंगे और इनके फाउंडेशन पे क्या क्या ये और भी लोगों को मदद करते हैं, किस तरह से करते हैं और क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सैयद साहब से। आइए सैयद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सैयद साहब, पिछले साल भी हमारे दर्शकों ने, हमारे व्यूज़र्स ने आपकी ये सारी तमाम चीज़ें आपके फाउंडेशन के माध्यम से दिखाई गई थी हमारे चैनल के माध्यम से, और इस साल भी आप रमज़ान में वो सारे ज़रूरतमंदों को सारी तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं राशन किट में। तो इस चीज़ों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा मकसद जो है ये है कि गरीबों के जो हकूक़ होते हैं उनके हकूक़ को अदा किया जाए जी। और ये हर इलाके के जो साहिब सरवत हैं उन्हें चाहिए कि साहिब सरवत अगर अल्लाह ने उन्हें बनाया तो वो खैर के साथ वो लोगों को मदद करने की कोशिश करें जी। और इसलिए कि हर अमीर के खाते में अल्लाह ताला गरीब का कुछ हक़ अता देता है, तो उस गरीब का हक़ देना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि जो हमारी पूरी टीम है कि किसी गरीब की मदद भी हो जाए जी। और ये जो हमारे नौजवान हैं ये मुतहर्रिक हो जाएं, इनके दिल में एहसास पैदा हो और इस तरीके के काम करने से इनके दिल में जज्बा पैदा हो और ये जहाँ भी कहीं रहें ये गरीबों का और मखलूक खुदा की खिदमत करने का इनके दिल में शौक़ ज़ौक़ पैदा होता रहे और जज्बा रहे, ये काम करते रहें, सिर्फ हमारा मकसद यही है। बीच में हमने देखा था कि तुर्की जो सिटी है उसमें बहुत सारे मतलब आसमानी आफतें आई थी और बहुत सारे मसले थे, उसमें भी आपकी ट्रस्ट ने काम की थी। सैयद साहब, उस विषय पर क्या कहना है आपका? जी, तुर्की में जो जलजला आया और उसमें बहुत सारी तबाहियाँ आई और सीरिया में भी आया, शाम में भी आया जी। तो हम लोगों ने तुर्की के लिए और बिलखसूस हमने सीरिया पर ज़्यादा ज़ोर दिया ताकि सीरिया में बहुत कम लोग पहुँच पा रहे थे, तो हमने कोशिश किया है कि सीरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो मैंने इसके लिए कोशिशें की हैं और हमारी पूरी टीम ने कोशिश की और जहाँ तक हो सका हम लोगों ने तुर्की और सीरिया के लिए वहाँ हम लोगों ने भेजा है। अब आगे की आपकी क्या क्या योजना है सैयद साहब, आप किस तरह से और भी लोगों को किस तरीके से हेल्प देंगे और हमारे चैनल के माध्यम से भारत नगर की और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमारी कोशिश यही है और लोगों से हमारी इल्तिजा भी यही है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इस दौर में इल्म की सबसे ज़्यादा अहमियत है और ज़रूरत है, और चूंकि हम जब मुसलमान हैं तो मुसलमान की जो पहली तालीम है वो इकरा से है, और अफसोस ये है कि हम इसी तालीमी मैदान में हम पीछे जा रहे हैं। हमें इस तालीमी मैदान में पीछे ना जाकर हमें आगे आना है, हर शोबे में आगे आना है, और हम नौजवानों को और बल्कि तमाम लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप खाने में, शादी में, घूमने फिरने में कमी कर लें लेकिन तालीम में कमी ना करें, अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी तालीम दिलाएं। इसलिए कि जिस दौर में आप गुज़र रहे हैं इससे आपकी हिफाजत सिर्फ आपका इल्म कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के माध्यम से तमाम चीज़ों को बयां किया और बहुत सारे मैसेज दिए युवाओं के लिए, नई पीढ़ियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।